उठो चराग उठाओ कि आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बाबा 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 सविता, तुम ऊपर जाके देखो गोली किसने चलाई, मैं सविता के पास हूं। हेलो, कितना हुआ? 10 रुपए हो गया। बड़े साहब को गोली लग गई। चलो रे, बड़े साहब को गोली लग गई। सविता, मास्टर जी, मैं ठीक हूँ अभी, जरा सा घाव है। सेवी, बड़े साहब को किसी ने गोली मार दी। किसने? पता नहीं। तुम जाओ अभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। सेवी, तुम मास्टर जी के साथ ही रहना। मास्टर जी। तुमने बड़े साहब को, जवाब दो मेरी बात है, क्यों मारा तुमने बड़े साहब को? Why? क्योंकि उसका खून निकला था मेरे हाथों से। Oh, come on! हमें बड़े साहब को नहीं, अभिमन्यु को मारना था। God damn it! सब गड़बड़ हो गया तुम्हारी वजह से। नताशा, अभिमन्यु तुम्हारे डैड का कातिल है। नताशा तुम्हारे डैड का कातिल। नहीं करण, मेरे डैड को अभी ने नहीं, बड़े साहब ने मारा था। What? हाँ, बड़े साहब ने। और अब मेरे डैड की आत्मा को शांति मिली होगी। सब गड़बड़ हो गया नताशा, सब कुछ गड़बड़ कर दिया तुम, बहुत गलत। मैं बदला लेकर, मैंने गलत किया? तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। अभी को मारने के बाद तुम्हारा और मेरा दोनों का बदला बुरा होता। बड़े साहब से मेरी डील भी हो चुकी थी। डील? कैसी डील करत? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था।
आप चिंता मत कीजिए मास्टर जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। मैं ठीक हूँ सविता, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, और अगर मुझे कुछ हो भी गया ना, कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि मैंने तुम्हें देख लिया। नहीं कुछ भी नहीं होगा आपको, हम अभी आपको सब सेंटर ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कमला, अरे ओ कमला, अरे तुझे पता है कि क्या हुआ काली मंदिर में? अरे गोलियां चल रही है, गोलियां। क्या? आज तो अभिमन्यु भी वहां जाने वाले थे। ये लो, जहां वो जाए वहां गोलियां ना चले, ऐसा कभी हो सकता है? साफ साफ बताओ ना मौसी के हुआ क्या है। अरे बता तो रही हूँ, और कैसे बताऊं? कहा ना कि वहाँ काली मंदिर में गोलियां चल रही हैं। और क्या? और लोग वहाँ बता रहे हैं कि बड़े साहब मारे गए। क्या? हे भगवान, मेरे अभी की रक्षा करना।